हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहां पर आज हम इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर के आए हैं सेंट्रल सेंट्रल सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ध्यान रखिएगा, सीबीएसई का सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का सीटेट के बारे में नोटिफिकेशन। क्या है सीटेट? ध्यान रखेंगे, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जितने भी लोग मास्टर और ग्रेजुएट कर रखे हैं, ट्वेल्थ कर रखे हैं, जिन्होंने डीएड कर रखा है, बीएड कर रखा है, उन सभी के लिए एक शानदार इंफॉर्मेशन ये है कि यहां पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आगे हम हर एक चीज पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें इस पब्लिक नोटिस में, आम सूचना में रखी गई है सीटेट के रिगार्डिंग। क्लियर? तो गाइस यहां पर अगर आपको विजिबल होगा तो मेंशन किया गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आज ही के दिन ये नोटिफिकेशन जनरेट हुआ है। मेंशन किया गया है कि द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल कंडक्ट 16th एडिशन यानी 16वां टीईटी सीटेट। ध्यान रखेंगे आप, 16वां सीटेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है आपका दिसंबर 2022 से लेकर के जनवरी 2023 के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। कहां पे मिलेगी आपको डिटेल्स? तो इसका डिटेल मिलेगा www.ctet.nic.in पर। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन फी क्या रहेगा? अगर जनरल कैंडिडेट हैं और ओबीसी कैंडिडेट हैं, पेपर 1 और 2 दोनों में अगर कंबाइंड आप एलिजिबिलिटी देखे हैं या एलिजिबल होना चाहते हैं या अपीयर होना चाहते हैं, तो उसके लिए 1000 रुपीज पे करना है। और सिर्फ अगर आप, ध्यान रखिएगा, कोई भी पेपर, पेपर 1 या पेपर 2 अगर आप सेलेक्ट करते हो तो 1000 रुपए देना है। अगर आप दोनों पेपर एक साथ सेलेक्ट करते हो तो आपको 1200 रुपए पे करना होगा फॉर द जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट। इसके अलावा एससी एसटी और डिफरेंट एबल टेस्ट पर्सन जो भी है, पीडब्ल्यूडी, इन सभी को दोनों पेपर में से एक पेपर सेलेक्ट करते हैं, कोई भी एक पेपर सेलेक्ट करते हैं तो 500 रुपीज और दोनों कंबाइंड करते हैं तो 600 रुपीज। ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट मेंशन कर दिया गया है कि द कैंडिडेट हु कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस एंड द फी ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज विल बी अलॉटेड द एग्जामिनेशन सिटी ऑफ देयर च्वाइस। ध्यान रखिएगा, अगर आप पहले, सबसे पहले अगर आपने जो आपने सेंटर चुना होगा, आपको वही सेंटर दिए जाने की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी। यानी कि जितना जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जितना जल्दी आप पेमेंट करेंगे, उस पेमेंट के आधार पर अगर आपका चॉइस है कि आपके होम टाउन के आसपास कोई सेंटर हो तो आपको उसका एलोकेशन के चांसेस ज्यादा बनते हैं। क्लियर है? आपको यहां पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के लिए यहां पर मेंशन कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, यहां पर ऑलरेडी सारी चीजों के बारे में बताया गया है कि सीटेट का फॉर्म का नोटिफिकेशन कब से स्टार्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर मेंशन किया गया है कोई भी लास्ट डेट का वेट नहीं करना है आपको। नेक्स्ट जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, कब से स्टार्ट होगा। ध्यान रखेंगे, कब से स्टार्ट होगा इसका एप्लीकेशन प्रोसेस, तो ध्यान रखिएगा आप यहां पर कि एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आपको सीटेट के वेबसाइट विजिट करना होगा www.ctet.nic.in पर। इसके बाद आप यहां पे नोटिफिकेशन को रीड करेंगे। रीड करने के बाद आज से आपका, यानी कि 20 अक्टूबर से आपका नोटिफिकेशन अपलोड किया जा चुका है। आप वेबसाइट को विजिट करेंगे, अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएड और डीएड के साथ ग्रेजुएशन मास्टर या फिर आपका 12th है तो आप यहां पर अप्लीकेबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर आपको टीचिंग के फील्ड में अपना कैरियर कंप्लीट करना है, कैरियर बनाना है, तो आपके लिए सीटेट बहुत ज्यादा जरूरी है। मैक्सिमम स्टेट जो है आपके सीटेट के स्कोर कार्ड को वैलिडिटी प्रोवाइड करते हैं, सीटेट के स्कोर कार्ड को वैलिडिटी प्रोवाइड करते हैं। तो गाइज मिस मत कीजिएगा, सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। इतने दिनों से जो भी लोग, आप लोग वेट कर रहे हो सीटेट के नोटिफिकेशन का, इस साल का यानी 2022 का, जिसका एग्जाम दिसंबर 2022 या जनवरी 2023 में कंडक्ट किया जाएगा, नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। फॉर्म भरने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लेंगे, सिलेक्शन ऑफ पेपर के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ओके, तो गाइस ध्यान रखिएगा, बहुत ही जल्द हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे आपको एप्लीकेशन प्रोसीजर के रिगार्डिंग। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।